तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जाना स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक शेयर के बारे में। 262 रुपये में शेयर का प्राइस मिल रहा है। ये शेयर दोस्तों 675 रुपये तक हाई लगाया था, 300 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था 2016 में। 12% की अभी डाउनफॉल में मिल रहा है, लेकिन कोविड के टाइम में देखोगे 81-82 रुपये में मिल रहा था, और भी सस्ते 2022 में मिल रहा था। क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए? हम लोग इस शेयर का बैकग्राउंड देखेंगे, स्ट्रांग रहेगा बाय करेंगे, नहीं दोस्तों अवॉइड करेंगे। आज की डेट में सेलिंग प्रेशर कंपनी में आया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू ग्रोथ, नेटवर्क ग्रोथ और प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है। पिछले 2022 में लॉस किया था, 2023 में प्रॉफिट किया है। अगर मैं आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में शानदार ग्रोथ कंपनी किया है 2023 दिसंबर के मुकाबले में, जो कि अच्छा बात है। कंपनी अभी प्रॉफिट कर रहा है तो और भी ऊपर जा सकता है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, रिटेल इन्वेस्टर 54%, फॉरन इन्वेस्टर 25%, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 16%, डोमेस्टिक वाले 4.5% माल रखे। कंपनी का अगर फुल डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा तो बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीठी के बुक वैल्यू से नीचे से बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है। हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड देता है। आरओसी से पॉजिटिव, फेस वैल्यू 10 का है। कर्जा यहाँ पर देखोगे ज्यादा है, बैंकिंग स्टॉक के कर्जा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक है, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, 6 महीने में अच्छे रिटर्न नहीं दिया है, सेल ग्रोथ बढ़ाए, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाए, नेट प्रॉफिट बढ़ाए। तो मिनिमम अमाउंट लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। 300 का हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, आराम से अचीव करेगा। कंपनी अभी प्रॉफिट कर रहे हैं तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कौन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।